नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। संत रविदास सरस्वती संस्कार केंद्र का किया उद्घाटन। बिलारी के श्रीमती मीरा अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमरपुर काशी के कुशल निर्देशन में पवित्र मास माघ पूर्णिमा संत शिरोमणि संत रविदास सरस्वती संस्कार केंद्र का विधि विधान पूर्वक दीप प्रज्वलित कर पुष्प वर्षा करके सरस्वती संस्कार केंद्र का उद्घाटन प्रधानाचार्य पंडित विनोद कुमार मिश्र ने किया। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा तो किसी भी विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी स्कूल एवं निजी विद्यालयों से, किंतु संस्कार, साफ सफाई, स्वच्छता, गाली ना देना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, अपने महापुरुष एवं देशभक्ति के मान बिंदुओं के प्रति आस्था पैदा हो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें, प्रतिदिन चरण स्पर्श करें, ऐसे सभी सामाजिक कार्य महापुरुषों की जयंती उत्सव संस्कार केंद्र के माध्यम से गांव बस्ती में मनाया जाए, समाज की कुरीतियां दूर हो, समाज में बदलाव आए तथा पवित्र माघ मास पूर्णिमा एवं संत शिरोमणि रविदास जयंती के पावन अवसर पर समसपुर, हमजापुर मोड, शिव मंदिर, हनुमान धाम, आरीखेड़ा, बागपुरा, विजयपुर, पीपली, फतेहपुर क्षेत्र के आदि ग्रामों में पूरे माघ माह भजन कीर्तन गाते हुए भक्तगण ग्राम वासियों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके प्रभात फेरी निकालते रहे, जिसका हमजापुर मोड मंदिर पर पूरे ग्राम एवं क्षेत्र के सुख समृद्धि की मंगल कामना के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। वही समसपुर गांव में कई धार्मिक झांकी का स्वरूप धारण करके गाँव में फेरी निकाली गयी। अंत में खीर पूरी का भंडारा हुआ, जिसमें हाजीपुर, खानपुर, दिनारा देवरी, अमरपुर काशी, भगवंतपुर अनेक गांव के भक्त सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मंदिर के महात्मा गोविंदपुरी महाराज, बहादुर सिंह यादव, विजेंद्र सिंह मौर्य, राम सिंह, सोमपाल सिंह उर्फ शंकर जी, विभूति नारायण मिश्रा, दीपक कुमार विश्नोई ने भाग लिया। संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर पीपली गांव में दानवीर प्रजापति की देखरेख में ये जो एक आज ज्ञान की ज्योति जलाई गई है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को किसी भी विद्यालय में कहीं भी पढ़े लिख रहे हों, लेकिन यहां एक घंटा आकर के इन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया जाएगा। शिक्षा तो हमें किसी भी विद्यालय में कहीं भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार केवल संस्कार केंद्रों पर ही सिखाया जाता है। हम चोरी ना सीखें, गंदी गंदी गालियां ना देना सीखें, झूठ बोलना ना सीखें, गंदे रहना ना सीखें, ऐसी अच्छाइयों के बाद माता पिता को प्रणाम करें, साफ सुथरे रहें, व्यवस्थित रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति लगनशील रहें। तो इसलिए पूरे देश भर में ये सरस्वती संस्कार केंद्र संचालित हो रहे हैं, कई हजार की संख्या में हैं। झुग्गी, झोपड़ी, बनवासी, गिरवासी, आदिवासी सभी के क्षेत्रों में जो अभावग्रस्त क्षेत्र है, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, उनके बीच में ये संस्कार केंद्र चलाया जाता है। समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर वनवासी लोगों के बच्चों के बीच में, तो ये आज यहाँ पर बहुत ही अच्छे दिन पे प्रारंभ हुआ और सौभाग्य से इसका संत रविदास सरस्वती संस्कार केंद्र रखा गया। बगल में जो श्यामपुर भूड़ी गांव में चलता है, उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से चलता है। सिहारी लद्दा में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार के, उनके नाम से चलता है। नरुखेड़ा में महर्षि कश्यप सरस्वती संस्कार केंद्र, अर्थात जिस समाज बस्ती में हमारा केंद्र चलता है उसके जो आदर्श पुरुष हैं, उसके जो महापुरुष हैं, उनकी स्मृति में केंद्र चलाया जाता है। जैसे मुझे दानवीर जी ने बताया कि ऐसे से हम केंद्र शुरू करना चाहते हैं, हम कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है, आज रविदास जयंती है, इसलिए शुभ कार्य में देरी मत करिए। तो आज ये केंद्र प्रारंभ हुआ,
प्रतिदिन आप लोग आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करिए, जैसे जैसे आचार्य जी बताएं वैसे साफ सफाई से आइए, स्वच्छता से आइए, जो जो सिखाते जाएं वो सीखते जाइए। यहाँ जाके अपने माता पिता को भी बताइए आज हम ये सीख आए, आज हम ये सीख आए, योग सीखो, करो योग, रहो निरोग, और सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। ये सब साथ के लोग जो है उसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद।